शो दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी इस मेगा स्टार सन हैज बीन डिटेन्ड बाय एनसीबी। ये खबर आपको देर रात से ही सुनने को मिलेगी और कहीं ना कहीं अब नाम डिस्क्लोज होना सामने आ चुका है। यहाँ पे शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान की क्वेश्चनिंग की जा रही है। उन्हें डिटेन किया गया है, आपको बता दो उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक, उन्हें डिटेन किया गया है मुंबई के एनसीबी ने। और एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो केसेस देखती है नशे या इस तरह की चीजों का, ड्रग्स का। और यहाँ पर समीर वांखेड़े जो कि बहुत बड़ा नाम है एनसीबी का, यानी कि एक बड़े वो ऑफिसर है, तो उन्हें टिप ऑफ मिली थी और उन्होंने कॉर्डेला नाम की एक जो जहाज है वहां पर वो एज ए कस्टमर बन के गए, यानी कि वो शिप में ट्रेवल करने के हिसाब से गए ना कि पुलिस के हिसाब से। और जब वहां पे गए और शिप जब कल ही मतलब शनिवार को जब मुंबई से रवाना हुई गोवा के लिए, तो बीच रास्ता जैसे पहुंची तो देर रात वहां पे पार्टी होने लगी, इस तरह से बातें कही गई है। वहां पे अलग अलग तरह की ड्रग्स भी बरामद की गई है। और इस सिलसिले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन हैं, उन्हें भी क्वेश्चनिंग की जा रही है। और इसके अलावा दिल्ली से रईस तीन लड़कियां जो है बहुत बड़े बड़े खानदानों की बताई जा रही है, वो भी इस शिप में थी, उनसे भी क्वेश्चनिंग की जा रही है। फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का फोन भी एनसीबी के हाथों में है, जो स्कैनिंग चालू है उस पर भी, क्या चैट से क्या नहीं है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे सामने आ रही है। ऑर्गेनाइजर जो भी थे इस इवेंट के, छह ऑर्गेनाइजर थे, उनके ऊपर अभी कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्वेश्चनिंग की जा रही है। तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज। कल देर रात को जब ये न्यूज आई थी तब ये नहीं पता था कि ये न्यूज इतनी सीरियस होगी, लेकिन हाँ अब ये हो चुका है कि अभी तक शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट नहीं किया गया है, डिटेन किया गया है, क्वेश्चनिंग चालू है। तो फेक खबर अभी क्लियर जो उड़ रही मार्केट में, उससे लोग परहेज करें। जो भी अपडेट्स होगी वो आपको इस चैनल बॉलीवुड के इस पर मैं देता रहूंगा इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन फिलहाल ये है कि आज का दिन काफी ज्यादा सरगर्मी में भरा रहेगा और यहाँ पर एक कहीं ना कहीं परेशानी का सबब थोड़ा बहुत जरूर आर्यन खान के लिए रहेगा और बाकी जो लोग उस पार्टी में थे और जो चल रही थी शिप पर, जहाज पर, बीच समुन्द्र तले। आपकी क्या राय इस खबर के बारे में जरूर बताइएगा। बाय बाय।